म्यूजिक इंट्रो देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में कितना ज्यादा मजा आने वाला है आपको। बट एक बात मैं बता देती हूँ कि मैंने ना ऑनलाइन रॉ ऑक्टोपस ऑर्डर किया था, ठीक है, कच्चा ऑक्टोपस। एंड मैंने सोचा था कि घर में बनाऊंगी, मैं मेरी मम्मी को बोलूंगी बना के देने के लिए, बट मेरी मम्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो नहीं बनाएंगी। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि उनके घर में ये नहीं बना सकते हम। सो ब्रेकफास्ट जो कि घर में होता है उसका आइडिया हमें छोड़ना पड़ेगा। बट सुबह सुबह मैं मोम के ऊपर करने वाली हूँ एक भयानक सा प्रैंक। आई नो कि उनको ऑक्टोपस से बहुत ज्यादा डर लगता है एंड मुझे अभी से भूख लग रहा है, तो चलो जल्दी से प्रैंक करके फिर हम निकल जाते हैं ऑक्टोपस खाने। सो गाइज, अभी बज रहा है सुबह के करीब करीब 10 एंड अभी हम करने वाले हैं मोम के ऊपर प्रैंक। अभी मोम नहीं है इधर, ठीक है, तो मैं बुलाऊंगी उनको एंड कैमरा पहले से सेटअप है। उनको मैं यही बोलने वाली हूँ कि आज वीडियो एक शूट करेंगे तो तुम्हें भी थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट करना है। एंड हम लोग क्या करेंगे, मेरी मम्मी को ना बोलेंगे कि तुम्हारा आँख में ऐसे पट्टी बांध दिया जाएगा एंड तुम्हें ये गेस करना है टच करके कि क्या चीज़ है। एंड मैं आपको ऑक्टोपस दिखाती हूँ। हाँ, हमारा ऑक्टोपस, ठीक है, इट्स स्टिंकिंग सो बैड। मतलब इसका स्मेल सच्ची में बहुत बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल मछली वाला स्मेल है। तो मेरे पास एक बहुत ही भयानक सा आइडिया है। हमारे घर में ना आज प्रॉन्स बने हैं, तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉन उठा के लाऊंगी एंड उनको ऐसे टच कराऊंगी। आई थिंक कि उनको लगेगा कि मैं ऑक्टोपस टच करा रही हूँ उनको, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑक्टोपस रख दिया है। सो यार चलिए देखते हैं कि क्या होता है। देखते हो अच्छा ना, तो ना सॉरी कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा बंगाली में था, बट मैं सब टाइटल्स मैंने डाल दिया था। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। एंड मेरे मम्मी को मत बताना कि मैं आज ऑक्टोपस खाने वाली हूँ, क्योंकि अगर उनको पता चले देन मेरे घर में ना आज महाभारत का युद्ध होने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल भी राजी नहीं है ये वाले आइडिया से। बट मैं वीडियो बना लूँगी एंड उसके बाद उनको पता चले तो भी मैं मना लूँगी उनको, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मम्मी को कैसे मनाना होता है। तो यार गाइस चलिए अभी चलते हैं लंच में सीधा एंड वहाँ पे जाके हम खाने वाले हैं ऑक्टोपस। आई डोंट नो मैं कैसे खाऊंगी, तो यार चलिए चलते हैं। एंड ये वाला पूरा मेरा वेस्ट हो गया यार, मैं 500 का मैंने खरीदा था इसको, इतना छोटा सा एक ऑक्टोपस। सो गाइस हम अभी आ चुके हैं सैंटास फैंटेसी में एंड अभी जाने वाले हैं अंदर। पता नहीं अंदर क्या होगा, बट उलू अरे होगा, चलो मतलब। सो गाइस अभी मैं अंदर जा रही हूँ स्टाइल मार्केट एंड इतना ज्यादा खुश हो रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट बहुत ही जल्दी ये खुशी दुख में बदल जाएगा। तो हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है चिली ऑक्टोपस। सो गाइस बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, एज यू ऑल नो कि मैं सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ, तो आई एम रियली ईगरली वेटिंग फॉर द फूड, क्योंकि यार मुझे जो भूख लगता है ना, मुझे और कुछ चीज़ की वैसे परेशानी तो होती नहीं है, बट आज थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि मैं खाने वाली हूँ ऑक्टोपस जो कि मैंने कभी नहीं खाया है एंड डर लग रहा है मुझे। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ये आ चुका है हमारा ऑक्टोपस जो कि प्लेट में काफी अच्छा लग रहा है देखने में, बट जब मैंने इसको उठाया
Just look at this, guys. ये क्या है? कैसा अजीब सा कोई, मतलब बहुत ही अजीब है यार. मैं इसको हाथ में पकड़ी हुई ना, मुझे लग रहा है कि मैं इसको कैसे खाऊंगी. So guys, अभी फर्स्ट बाइट लेने वाले हैं हम. पता नहीं कैसा होगा, बट भयंकर. Let's get started. So जैसे कि आप देख सकते हो, मैं डरते डरते पहला बाइट लिया मैंने, बट ये तो मुंह के अंदर जा ही नहीं रहा है. मैं काटने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत कोशिश के बाद ये मुंह के अंदर गया. एंड मैं इसको च्यूइंग गम की तरह चबा रही हूँ. इतना, मतलब मुझे यार टेस्ट उतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार खाया है. हो सकता है कि आप में से किसी का फेवरेट फूड भी हो ये, बट यार मुझे अच्छा नहीं लगा. मुझे तो डर लग रहा था. आप देखो, आप मेरी आंखों की तरफ देखो, आपको साफ साफ डर दिखाई देगा. गाइस, आई डोंट नो मैं ये पोर्शन खा पाऊंगी या नहीं. मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा ये वाला पोर्शन, बट ठीक है, मैं कोशिश करूंगी जरूर. ये हंस हंस के पागल हो रहा है, पता नहीं क्यों. क्या पीना है आपको, क्या खाना पड़ रहा है? मैं भी आपको नजदीक से दिखा रही हूँ. ये जो ऑक्टोपस है, आप बोलो क्या इसको कोई खा सकता है? ओह माय गॉड. तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्टाइल मार के खाती हूँ तो फिर अच्छा लगेगा शायद, बट नहीं यार, सेम टू सेम. ये तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है गाइस. आई डोंट नो कि मैंने ये चैलेंज क्यों लिया था. सो गाइस, मेरा तबीयत खराब हो रहा है, इसलिए मैं बंगाली में बात कर रही थी. तो मुझे सही में उल्टी आ रही है. पता नहीं है मैंने कैसे खाया था वहाँ पे, एंड वहाँ पे मुझसे कुछ बोला नहीं गया. भूख के मारे कुछ भी चला गया अंदर. भूख के मारे मैंने खा लिया, एंड वहाँ पे मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि उन लोगों को दुख होगा अगर मैं बोलूंगी कि अच्छा नहीं लगा. खाने में कैसा था? बिल्कुल रबर जैसा था, मतलब च्यूइंग गम की तरह था कि च्यू करते जाओ. मैं तो दांत से ऐसे काट भी नहीं पा रही थी. अरे बाप रे, इसने खाया ही नहीं, छोड़ दो. एंड मैंने इतना करके खाया, एंड मुझे सही में बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है. मतलब मैं रात में भी खाना होगा. मैं सही में बहुत, मेरा तबीयत खराब हो रहा है. रात में तो चैलेंज फिर हार जाओगे. मुझे सही में उल्टी आ रही है, मैं सही में बोल रही हूँ, मुझे बहुत जोर की उल्टी आ रही है. गाड़ी में मत करना जो भी करना. नहीं नहीं, मैं गाड़ी में नहीं करूंगी. गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा तबीयत कितना ज्यादा खराब लग रहा है. इतना उल्टी आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको. मैं अभी थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगी ना, तो मुझे सही में उल्टी हो जाएगा. तो लेकिन रात में ऑक्टोपस खाओगे ना, या फिर वो भी कैंसिल? रात में खाऊंगी मैं. हाँ, खाना ही पड़ेगा. एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देती हूँ ना. हाँ, तो ये क्या है, ये क्या है? नहीं नहीं, ये तो नहीं, फिर कमिटमेंट नहीं, थोड़ा चीटिंग चलता है, बट मैं कमिटमेंट तो रखती हूँ. कुछ और खा नहीं रही हूँ यार, पीने वाला चीज है ये. अभी ये पीती हूँ, ठीक है, हजम करती हूँ, शाम को मिलते हैं. So guys, मैं भी चल के जा रही हूँ नेक्स्ट रेस्टोरेंट में, क्योंकि मैंने सुना है कि चलने से ना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है. तो देखते हैं जल्दी डाइजेस्ट होता है नहीं होता है. तो चलते चलते और व्लॉग नहीं करूँगी, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा. बाय. मैं फिर से प्रिपेयर्ड हो चुकी हूँ, ऑर्डर कर दिया है. एंड अभी आने वाला है हमारा ऑक्टोपस. सो देखते हैं, मेरा मूड फिर से अच्छा हो गया है, लेकिन फिर से खराब होने वाला है, पता नहीं, देखते हैं. सो गाइस, आ चुका है हमारा ऑक्टोपस का रेसिपी, एंड कितना अच्छा दिख रहा है ना. बट अभी आपको इसका जो असली रूप है वो दिखाऊंगी मैं.
इतना बड़ा, देखा कितना बड़ा है। I can do it. Yeah, you can do it. डर लग रहा है। Just for my knee hurts, okay? Just आपके लिए कर रही हूँ। So video में like तो होना ही होना चाहिए and जितने friends हैं ना आपके सबके साथ share भी होना चाहिए क्योंकि ये video सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ। ये जो देख रहे हो ना, ये जो साइज है दोपहर से काफी ज्यादा बड़ा है। ये रहा मेरा फेस एंड ये रहा ऑक्टोपस, सो काफी बड़ा है एंड पता नहीं क्या होगा। मैं ट्राई करने वाली हूँ बट आई डोंट नो क्या हो जाएगा यार। देखो कितना ज्यादा बड़ा, ओह माय गॉड। ठीक है तो ट्राई करते हैं पूरा एक साथ करूँ। डर तो बहुत लग रहा था बट सामने ही रेस्टोरेंट के सारे लोग घूर रहे थे हमारी तरफ तो इसलिए मैं खा तो रही हूँ बट मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं ऐसा दिखाऊं कि मुझे अच्छा लग रहा है बट यार क्या करें अच्छा लग नहीं रहा था बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हाँ अच्छा है क्या करें है ना। दोपहर से अच्छा है शायद नहीं नहीं ना ना दिल पे पत्थर रख के सीटू ने तो खा लिया बट मैंने जब भी रोहित को बोला कि रोहित तो ना खा लो वो बेचारा उठ गया। मैंने उसको बोला यार या तो खाओ नहीं तो तुम उठक बैठक करो मेरे सामने। वो उठक बैठक करने के लिए भी राजी हो गया रेस्टोरेंट में बट फिर भी एक बाइट भी उसने नहीं खाया, एक भी बाइट उसने नहीं खाया ऑक्टोपस का। इसलिए मुझे पूरा निगलना पड़ा इसको एंड सोचो मैं इतनी छोटी सी लड़की एंड वो इतना बड़ा सा ऑक्टोपस मतलब मेरे पेट में घुस के क्या क्या हो रहा था वो बस सोचो एक बार आप। बट फिर भी यार इस वाले में थोड़ा मसाला ग्रेवी वगैरह था इसलिए मैं कुछ भी करके निगल गई क्योंकि इसका प्राइस था 999 रुपीस गाइस, 1000 रुपया का एक ऑक्टोपस दिया गया था। लुट गए लुट गए एंड देखो कितना घिनौना लग रहा है यार। So guys, हम बाहर आ चुके हैं एंड ये बोल रहा है कि इसको अभी भी उल्टी आ रहा था बट सही में बोल रही हूँ मुझे इस बार उल्टी नहीं आया क्योंकि टेस्टी नहीं बनाया ग्रेवी था। ग्रेवी था ना एक तो थोड़ा सा मसाले वसाले के साथ मतलब कुछ खाने लायक लग रहा था बट वैसे मैं ऑक्टोपस की फैन हूँ नहीं मुझे मैं पसंद तो कभी भी नहीं हो सकता कभी भी नहीं मुझे उतना पसंद आता नहीं है। अगला जन्म इसका तो पूछो ही मत। सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और अभी टाइम कितना हुआ 8 बज चुका है ऑलरेडी तो अभी रात में और सारे 8 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट तो और कुछ खाएगी नहीं शायद और कुछ नहीं खाऊंगी मैं क्योंकि और क्या खाऊं यार और हमारे वहाँ पे तो मिलता भी नहीं ऑक्टोपस लोगों को पता भी नहीं है। हम सोचे थे तुम हार जाओगे चैलेंज पर छोड़ो मैंने भी सोचा था कि मैं चैलेंज हार जाऊंगी और डाइजेस्ट होने में टाइम लगता तो उस हिसाब से तुमको भूख लगेगा भी नहीं मुझे भूख लगेगा भी नहीं क्योंकि बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में एंड या आई होप कि आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर किया है देन आपको क्या करना है लाइक करना है वीडियो को शेयर करना है सारे फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और एक चीज कि बंगाली में अगर आपको ब्लॉग देखना है तो इसी चीज मतलब ऑक्टोपस का ही बंगाली ब्लॉग देख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में। हाँ डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में लिंक रहेगा आप जरूर देख लेना वो भी। तो यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे कमेंट में बोलो नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहोगे। बाय नेक्स्ट वीडियो गोबर 24 आवर्स गोबर खाओ।